हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं कहाँ पे आ गई हूँ। तो 2 घंटा पहले मैं लखनऊ पहुँची हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और मैं आपको अपना लखनऊ का मिनी गार्डन दिखा रही हूँ, जो कि मैं अगस्त में छोड़ के इसे गई थी फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं, ये गुलाब की कटिंग मैंने लगाया हुआ था और ये देखिए कितना अच्छे से लगा हुआ है। और देखिए इस छोटे से ग्लास में लगा हुआ है फ्रेंड्स, ये देखिए। और ये कटिंग लग गई है फ्रेंड्स। और इसमें फ्रेंड्स ये क्या जमा हुआ नहीं पता है, लेकिन ये टर्टल वाइन है। बहुत ही छोटा सा, मैं लखनऊ की नर्सरी से, हरी ओम नर्सरी है, वहीं से लेके आई थी और इसे मैंने लगाया था। तो देखिए, मीठी नीम का प्लांट तो इसमें ख़राब हो गया है। तो अभी मैं दिखाऊंगी कि सीड से और निकला हुआ है। तो पता नहीं ये क्या चीज़ है फ्रेंड्स, मुझे पता नहीं है, निकला हुआ है। और एक छोटा सा ही ब्रांच मैं लेके आई थी, ये इसका नाम ही नहीं याद आ रहा है फ्रेंड्स। और ये सब सिंगोनियम देखिए फ्रेंड्स कितना फैला हुआ है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें पानी भी नहीं है, बहुत ही थोड़ा सा इसमें पानी है। और मैं डाल के चली गई थी और बारिश होती रहती है, तो उसी से फ्रेंड ये सब देखिए कितना बड़ा होके और फैला हुआ है। और इसमें भी एक सिंगोनियम लगा हुआ है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कोलियस बच गया है और कुछ ख़राब भी हो गया है। और इसमें भी हमने ये टर्टल वाइन ही है फ्रेंड्स, पता नहीं। तो ये भी देखिए इसमें ढेर सारा लगा हुआ है। और इसमें हमने स्नेक प्लांट लगाया हुआ था, ये भी लगा हुआ है। और ये जो है वाइट रेन लिली है फ्रेंड्स। और एक जेरेनियम फ्रेंड्स, आप ये देखिए इसमें लगा हुआ। और मैं ये हिमाचल से फ्रेंड्स लेके आई थी, गई थी तो वहाँ से मैं एक ये लेके आई थी और एक ये सीडम फ्रेंड्स लेके आई थी। और देखिए फ्रेंड्स, दोनों ये लग गया है। मैं जिस होटल में रुकी थी फ्रेंड्स, उसी होटल से हमने ये लिया था फ्रेंड्स। और देखिए, मीठी नीम ख़राब हो गया तो सीड डाला था, तो ये मीठी नीम भी इसी में जमा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही खुशी मुझे हो रही है इस पौधे को देख के, क्योंकि इसे मैं फ़्लाइट से लेके आई थी फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं, मैं सोलन और क्या एक जगह नाम भूल रही हूँ, फिर चंडीगढ़ से मैं फ़्लाइट से लखनऊ आई थी और लेके आई थी फ्रेंड्स। और ये सारे प्लांट्स मेरे कितने अच्छे से चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये तो ज़मीन में है, और ये वाइट रेन लिली है, और ये भी एक जेरेनियम है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो इसे मैंने 2-3 दिन होटल में शीशे ग्लास में रखा हुआ था और ये लग गया है फ्रेंड्स। और सीडम भी लगा है फ्रेंड्स। ये दोनों प्लांट मेरे पास जौनपुर में नहीं है, मेरे गार्डन में। तो इस बार मैं ले के तो नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मेरी 23 को फिर फ्लाइट है भिलाई के लिए। मैं शादी में जा रही हूँ अपने भतीजे की, जो कि मैंने वीडियो डाला है निमंत्रण का। तो 23 को मेरी लखनऊ से फ़्लाइट है भिलाई के लिए, रायपुर के लिए फ्रेंड्स। तो फिर मैं वहाँ का ब्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि मेरे भतीजे की शादी है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना ब्यूटीफुल गुलाब भी लग गया है। और ये मैक्सिकन पिटोनिया, और इसमें ढेर सारे टर्टल वाइन। और ये मेरी बेटी टूल ला के यहाँ के लिए भी मेरे लिए ख़रीद के रखी है। 2 बेटी मेरी लखनऊ में ही हैं, दोनों डॉक्टर हैं, एक डेंटल सर्जन डॉक्टर नेहा शर्मा, और एक अभी PG कर रही है MBBS करके। तो दोनों यहीं पर हैं, लेकिन यहाँ पे घर पे कोई नहीं रहा है फ्रेंड्स, ताला ही बंद है। लेकिन भगवान भरोसे ये सब मेरे प्लांट्स हैं फ्रेंड्स। और इसमें देखिए पर्पल हार्ट और मनी प्लांट, और इसमें फाइकस, और ये मेरे भोले बाबा जो कि पत्थर से मैंने लिया था और नाग देवता। और इसमें के सारे कटिंग्स फ्रेंड्स ख़राब हो गए हैं, लेकिन देखिए इसमें भी कोलियस चल रहा है, और ये पर्पल कलर का भी। और देखिए इसमें पानी भर गया है बारिश का। और मेरी बेटी यहीं गोमती नगर में ही रहती है, तो बीच बीच में आके
देख लेती है और पानी कभी कभी डाल देती थी फ्रेंड्स। और मैं तो अगस्त के गए गए अभी आ रही हूँ। और ये देखिए सहतूत है, इसे भी मैंने यहीं लखनऊ से कटिंग को लेके ही लगाया था। तो अब मैं सबकी कल प्रूनिंग करूँगी फ्रेंड्स। और इधर देखिए ये अनानास है, पाइनएप्पल, इसे भी मैंने कटिंग ही लिया था। और ये देखिए केला ख़राब हो रहा है, तो इसमें न्यू न्यू निकला हुआ है। और मैं चलिए आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए बड़ा वाला ये चंपा है फ्रेंड्स, ये भी कटिंग से लग गया है। और इधर भी देखिए सिंगोनियम छोटा वाला, और ये सब ये विनका, और इधर नींबू को डाला था वो जमा हुआ है, इधर भी नींबू जमा हुआ है, रेन लिली वाइट वाला। तो इस बार तो मैं जौनपुर नहीं लेके जा पाऊँगी क्योंकि मैं सीधे वहाँ से आऊँगी तो बनारस में वापसी है मेरी। तो फिर जब लखनऊ आऊँगी फ्रेंड्स तब इन सबको फिर ले जाऊँगी दोबारा। और देखिए कितने खूबसूरत मिनी गुड़हल मेरे यहाँ पर खिल रहे हैं भर भर के फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। बिना केयर के कोई भी नहीं, बिल्कुल घर बंद था। इस समय किरादार जो ऊपर थे वो भी खाली मैंने करवाया हुआ है, दूसरे किरादार को रखना है। तो देखिए कितना खूबसूरत मिनी वाला गुड़हल इस पर खिला हुआ है बिना देखभाल का। बारिश वही जो हो रही है उसी से प्लांट्स भी हेल्दी हैं फ्रेंड्स। और बहुत ही खूबसूरत ये गुड़हल है, मैं आपको दिखाती रहती हूँ। और उधर साइड में मैक्सिकन पिटोनिया है और कटिंग करूँगी फ्रेंड्स। और ये इधर देखिए चिड़ियों के लिए रखा था, ये भी छुप गया है, ये भी एक पाइनएप्पल है। और ये बुद्धा प्लांटर, इसमें पर्पल हार्ट है आप देख सकते हैं। इधर अजवाइन इसमें मैंने लगा दिया था वेस्ट में, आप देख सकते हैं थर्माकोल के डब्बे में, इसमें भी अजवाइन। और इसमें मेरी अपराजिता थी, वो तो मुझे लग रहा है फ्रेंड्स कि सूख गया अपराजिता, बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। और इधर मैंने पत्थर से हटा के साइड में रखा हुआ था इसलिए कि इधर बारिश की पानी मिलेगी फ्रेंड्स। तो इसमें मेरा लैंटाना था, ये भी सूख गया है। और ये सब पता नहीं घास है कि क्या है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मेरे प्लांट्स चल रहे हैं। और देखिए कितना ब्यूटीफुल ये टर्टल वाइन। और इन सब में सभी में पर्पल हार्ट। और कल अब मैं अपने गार्डन में लग जाऊंगी फ्रेंड्स। और कैना लिली भी देखिए कितना खूबसूरत, तो इसे भी मैं डिवाइड करके लगा के जाऊंगी। एक दो दिन ही रुकना है क्योंकि 23 को ही निकलना है फ्रेंड्स, 25 को शादी है मेरे भतीजे की। तो आप देख सकते हैं नहीं रहने पे भी गार्डन ठीक ठाक ही चल रहा है। और बहुत ही ताज्जुब की बात है फ्रेंड्स कि नहीं रहने पे भी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी बीच बीच में कभी कभी मेरी बेटी यहीं पे है गोमती नगर में ही, तो कभी कभी आके पानी वगैरह डाल देती थी और भी कोई केयर नहीं फ्रेंड्स। और इसमें भी जो जो मैंने लगाया हुआ था, तो गुलाब और एक ये पता नहीं क्या है ये भी लगा हुआ है कटिंग, और बाकी तो कुछ कुछ ख़राब हो गया है फ्रेंड्स। तो बस आज की मेरी यही वीडियो थी, कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। कि देखिए नहीं रहने पे भी भगवान भरोसे भी पौधे हमारे अच्छे से सर्वाइव करते हैं। और देखिए गुड़हल कितना हेल्दी है, मेरे जौनपुर में तो कोई भी एक भी प्लांट गुड़हल का ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, जबकि मैं वहाँ पे 24 घंटे ही देखभाल ही करती रहती हूँ, फिर भी इतना ब्यूटीफुल कोई भी प्लांट नहीं है वहाँ पे। और इसके नीचे भी कोई कोई प्लांट को मैंने लगाया हुआ था फ्रेंड्स। और कल मैं लग जाऊँगी कटिंग करके सबको मैं फिर सही करूँगी। और विनका को भी देखिए, और देखिए कितना खूबसूरत ये हमारा डबल चांदनी में फूल भी आने लगे हैं फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स फिर कल यानी नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी आते आते ही गार्डन में ही लग गई हैं। और वहाँ से भी फ्रेंड्स मैं दो दिन से ही आपसे वीडियो शेयर ही कर रही थी, सब कुछ करके ही मैं निकली हूँ। और देखिए फ्रेंड्स बिना केयर का ये कितना ब्यूटीफुल सब लग रहा है।
तो और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी है इस जेरेनियम पे, जो कि मैं हिमाचल से लेके आई थी फ्रेंड्स, फ्लाइट से, और पर्स में डाल के लेके आई थी फ्रेंड्स, पेपर में मोड़ के इसे, इसको और इस सीडम ही है फ्रेंड्स बताइएगा। और एक ये छोटा सा और एक इसमें भी छोटा सा था, लगा दिया था, ये भी निकल गया। और ये सब मैंने अपने कॉलोनी से, और यहाँ पे जितने भी प्लांट्स दिख रहे हैं फ्रेंड्स, सभी मैं अपने यहाँ कॉलोनी लखनऊ में, वशिष्ठ नगर में मेरा घर है, गोमती नगर, तो मैं यहाँ पे सुबह सुबह टहलने जाती हूँ और सारे कटिंग्स को तोड़ के गेट्स के बाहर ही सभी के लगे होते हैं लेके आ जाती हूँ। और इतना सारा मैंने लगाया हुआ है, तो कल फिर से मैं अपने गार्डन को सही करूँगी, उसके बाद फिर आपको दिखाऊँगी। तो कैसी लगी मेरी वीडियो फ्रेंड्स, आप ज़रूर बताइएगा। और देखिए फ्रेंड्स, कोलियस कितना खूबसूरत, इस सारे ग्लास में कोलियस लगा हुआ था, लेकिन मेरी बेटी जब देखी थी तो बोली थी कि मम्मी गार्डन को देख के तो रोना आ रहा है, आप इतना अच्छे से करके गई थी और आपका गार्डन एकदम ख़राब हो गया। लेकिन देखिए फिर से पानी बरसा और ये ब्यूटीफुल कलर निखर के आ गया। कोलियस भी मेरे पास दो कलर का यहाँ हो गया फ्रेंड्स। तो अब मैं जब कार से आऊँगी तो फिर कार से लेके जौनपुर ये सब प्लांट को चली जाऊँगी फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर फिर बंद हो जाएगा, बच्चे तो हॉस्टल में ही हैं अभी फ्रेंड्स। तो कैसी लगी मेरी वीडियो फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा। और थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग। और ये मेरे सारे स्टोन पेंटिंग देखिए, ये लोग यहीं पर गिरे हुए हैं मिट्टी में सब लोग। तो यही होता है फ्रेंड्स, अब मैं वहाँ से आई हूँ तो फिर वहाँ पर भी यही प्लांट्स का हाल होगा। एक हफ्ते के बाद ही मैं फिर 27 को मेरी वापसी है, और आज मैंने वहाँ पे घर जौनपुर में छोड़ा हुआ है, तो 27 को वापसी है, फिर हम मिलेंगे 27 को आपको जौनपुर में फ्रेंड्स। और उसके पहले फिर मैं वीडियो आपको शेयर करूँगी शादी का, सभी एक एक फंक्शन का। और ये टूल्स मेरे देखिए, बिटिया मेरी यहाँ पे मिला के रख दी, यहाँ पे नहीं था तो मैं चाकू से करती थी फ्रेंड्स। तो देखिए बच्चे कितना ध्यान रखते हैं, तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग भी इस तरीके से अपने प्लांट्स को छोड़ के जाते होंगे, तो बहुत ही ध्यान लगी रहती होगी फ्रेंड्स। तो कोई बात नहीं, देखिए कितने अच्छे से सभी चल रहे थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।